Hi guys, hi everyone. Welcome to Pocket Make PKL. I've got Aparna Jana alongside myself as well, and it's going to be a lot of fun to have you guys along. We're going to review the week that's gone by. We're going to review everything that's happened from the top raiders, the top debutants, the top defenders, or जिन्होंने अच्छे से किया है. Which were the stars? Which were the biggest disappointments of week one of the PKL? I'm Suhail Chandog. मेरे साथ है Aparna Jana. Aparna, let you take it away and lead us to where you want to take us. Thank you so much, Suhail. In this section, we are going to talk about क्या हुआ इस पूरे वीक में, जो अभी तक के 18 मैचेस हुए, उन 18 मैचेस में क्या क्या हुआ, कौन कौन से प्लेयर्स थे जो कि जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो एक अलग ही स्टार के रूप में हमारे सामने आए हैं. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि इस पूरे 18 मैचेस में क्या क्या, किस किस मैच में हमने कैसा सोचा था और कैसा हुआ. Yeah, go ahead. Take us in, and I want you to lead me into it because मैंने इतने सारे मैचेस किया है कमेंट्री पे कि इट्स सो हार्ड टू रिमेम्बर द एग्जैक्ट मोमेंट्स. ऑब्वियसली आई रिमेम्बर द 7 पॉइंट रेड्स, द 6 पॉइंट रेड्स, द ग्रेट डेब्यूज दैट वी हैव सीन एज वेल. काफी सारे K7 प्लेयर्स भी इस साल खेल रहे हैं पीकेएल में, एंड वी हैव सीन सम ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ कबड्डी फ्रॉम देम. बट वेयर डू यू थिंक वी शुड स्टार्ट अपना? आई थिंक सुहेल, हम सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कि किस तरीके से पवन ने और मनिंदर ने एक ही मैच में 7 पॉइंट की रेड और 6 पॉइंट की रेड करी. या एक्चुअली मैं उस मैच में कमेंट्री बॉक्स में थे. मेरा गला तो अभी भी गया है बिकॉज आई बीन कमेंटेटिंग ऑन सच अमेजिंग मोमेंट्स. और वो जो दो रेड्स था वो ऑलमोस्ट बैक टू बैक रेड्स था. व्हेन यू सॉ व्हाट मनिंदर डिड, वो बहुत बहुत अच्छा रेड था. फॉर मी मनिंदर इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट रेडर्स इन द एंटायर लीग. आई थिंक अगर हिस्ट्री देखे जाए तो मनिंदर फ्रॉम सीजन वन विद जयपुर पिंक पैंथर्स ही वॉज अमेजिंग. देन फिर एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लिया था मनिंदर गेम से, लेकिन जब वो वापस आए थे ही वॉज स्टिल द सेम मनिंदर, एंड दैट रेड फॉर मी वॉज आउटस्टैंडिंग. उन्होंने आई थिंक 6 पॉइंट लिया था उस एक ही रेड में. फिर पवन ने आके यस उसको बीट किया था, एंड आई थिंक टू गेट अ सेवन एग्जैक्टली पॉइंट रेड इन अ सिंगल सिंगल मैच, फॉर मी पवन सरावत इज द मोस्ट कंप्लीट रेडर. आई थिंक ओवरऑल अगर आप उस मैच को देखे जाए तो एक्चुअली उस टाइम पे बैंगलोर वो प्रिटी मच आउट ऑफ द गेम. बंगाल हैड अ लीड ऑफ करेक्ट अ मैसिव मार्जिन. फिर बैंगलोर नीडेड समथिंग मैड टू हैपन, और जब कुछ मैड चाहिए तो एक मैड अमेजिंग इनसेन अच्छे रेडर ही चाहिए है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स पवन सरावत. टू डू इट लाइक दैट इन द टाइम दैट ही डिड इट, दैट फॉर मी वाज द मोस्ट क्रूशियल. या क्योंकि तब मोमेंटम बंगाल के पास था, और जब उस करेक्ट टाइम पे एक 7 पॉइंट के रेप अगर आप मार सकते हो तो दैट चेंजेस द गेम एंटायरली, एंड फॉर मी दैट्स व्हाई इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल डे. ऑफ कोर्स. एंड इफ यू वुड हैव सीन कि किस तरीके से मनिंदर का, क्योंकि जब उस टाइम पे डिफेंस, चार चार डिफेंडर्स एक साथ मनिंदर के ऊपर आए थे, मनिंदर ने वहां पे किस जगह से हाथ निकाल के वो लाइन क्रॉस करी. पवन से तो हमें हमेशा ही एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है, लेकिन मनिंदर हु वाज प्लेइंग दैट मैच, एंड उस टाइम पे लगा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. एंड देन जस्ट आफ्टर दैट पवन सरावत ने इतना अच्छा रेड किया. एंड हम अभी भी भूल रहे हैं कि उसके कुछ ही मैचेस बाद वी अजीत कुमार ने भी सेम वैसा ही कारनामा करके दिखाया था, जिन्होंने एक ही रेड में 6 पॉइंट्स लिए थे और अपनी टीम को उन्होंने बहुत अच्छी लीड दिला दी थी उस रेड के साथ. Yeah, absolutely. That raid for me, I think it's one of the most special raids of the entire tournament. क्योंकि मनिंदर के raid जैसे ना, both teams were down at that time, or rather Pawan's raid. Pawan had a raid where Bengaluru were very much trailing in that match. अगर आप अजीत कुमार के raid देखें तो same. यू मुंबा वर प्रिटी मच आउट ऑफ इट दैट स्टेज. 8 पॉइंट की लीड था, उससे पहले एक्चुअली 10 पॉइंट की लीड था, एंड द वे दे केम बैक इनटू तमिल तलाइवास वर नोन टू बी बॉटम टीम इन द लीग. लेकिन इस साल तमिल तलाइवास के डिफेंस थोड़ा मजबूत है. आई थिंक आई रियली लाइक द वे द तमिल तलाइवास डिफेंस इज प्लेइंग. दे लुक स्ट्रॉन्ग एज अ डिफेंसिव यूनिट, एंड अगेंस्ट दैट डिफेंसिव यूनिट जब अभिषेक सिंह नहीं चल रहे हैं टू कम थ्रू एंड प्रोवाइड अ 6 पॉइंट रेड, अजित कुमार अगेंस्ट हिज ओल्ड टीम, आई थिंक वहां थोड़ा एक्स्ट्रा दिल मिलते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा जोश मिलते हैं बिकॉज यू प्लेइंग अगेंस्ट योर होल टीम. यू हैव दैट एक्स्ट्रा वांट एंड डिजायर टू डू वेल. सो आई थिंक फॉर अजित कुमार दैट वाज अ डिफाइनिंग रेट इन हिज करियर एज अ यूमुम्बा प्लेयर. या एग्जैक्टली लाइक थलाइवा इज एक्चुअली टेकिंग ऑन थलाइवाज.
इट वॉज रियली अमेजिंग रेड भाई. एंड वो जो उनका एक्सप्रेशन था दोनों हाथ ऊपर करके, इट वॉज दैट फीलिंग ऑफ जॉय कि हाँ मैंने कर दिखाया और मैं करके आगे भी दिखाऊंगा ऐसा ही. Yeah, absolutely. You know, whether you're a Tamil Thalaivas fan, whether you're a fan of any other team, when you see a young player like this, amazing story of Ajit Kumar. You know, he comes from very humble beginnings, from a small village called Samipillai in Tamil Nadu. And, you know, his parents were porters, they were coolies. His father used to pick coconuts from trees in his spare time. His mother used to work as a coolie as well and sell vegetables in her spare time. You know, it's an amazing story of Ajit Kumar. So to see a young man like that do so well, you saw the double thigh five, you were celebrating. You know, it really makes your heart warm. It makes you really feel good for guys like this. They work hard, they've worked on their fitness. He's looking stronger, Issal. So, you know, for me, that whether he played for Umumba, whether he played for Bengal, whether he played for Tamil Thalaivas, that for me is a very, very special thing. एंड आई थिंक ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, जो पेंडेमिक का पीरियड था, उसमें जैसे हर प्लेयर अपने ऊपर काम कर रहा था, आई थिंक वी अजीत कुमार ने भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, तभी वो आगे आने वाले में भी जो बेस प्राइस था उससे ज्यादा का गए और इतना अच्छा परफॉर्म भी करते हुए नजर आ रहे हैं इस सीजन में. Yeah, I think he's taken to the role also. You know, I think many people have their eyes set on Abhishek Singh. लेकिन ये जो बंदा है वो लेफ्ट रेडर है और अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन यूमुम्बा के लिए. लेफ्ट रेडर अजित कुमार, राइट रेडर अभिषेक सिंह, एक और रेडर भी है उधर शिवम, और उनको हम यू नो बहुत छोटे 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 रेड्स हम देखे देखा है अभी तक, बट आई थिंक वील सी मोर ऑफ हिम ऑल्सो. इज अ टॉल रेडर, बहुत 6'2". लेकिन अजित कुमार जो है, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई तमिल थलाइवास डिड नॉट रिटेन हिम. आई थिंक ही इज अ फैबुलस रेडर एंड आई होप दैट ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बिकॉज एज आई सेड, these are the stories that you want to tell as a commentator, as a presenter, as a sports lover. These are the stories you want to see. Yes, of course. And अब जब हम अच्छे players की बात ही कर रहे हैं, तो why don't we talk about Girish Irnayak, जिन्होंने अपने पहले ही मैच में इस सीजन के 7 points लिए थे. Yeah, let's move to the best defender so far. And I think you know, he is a hit or miss defender. Ajit, you know, we were talking about Ajit Kumar. Girish Irnayak as a defender is, you know, one of those guys who's been there a long time. He's in our top 7 defenders, ekdam 7th place mein hai abhi tak in terms of most tackle points. And I think he's someone who's a seasoned campaigner. Lekin inconsistency abhi bhi hai Girish Irnayak mein. You know, he's coming to a new team. He's got a great opportunity with Gujarat Giants to break free that whole, you know, talk about Girish being inconsistent. Ye hi ek cheez hai Girish ka. He's a really, really good defender. लेकिन उनका जो टाइमिंग है उसके हिसाब से वो जाते हैं. You know, his timing when it's good, he's fantastic. When his timing is slightly off, he looks a little bit slow. So for me, Girish is at the 7th rank right now in our top 7 defenders. But I think working with Manpreet, working with the Gujarat Giants defense, he can certainly go a long way. Yes, of course. And उन्हीं की तरह एक और रेडर हैं मोहम्मद रेजा, जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं पटना पायरेट्स के लिए, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे सोहेल? या मोहम्मद रेजा शादलुई, ही इज अ रियली गुड लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर. यू नो, ये हम बेस्ट डिफेंडर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड इफ यू लुक एट द वे ही केम थ्रू, 7 टैकल पॉइंट्स इन दैट मैच इन पीकेएल सीजन 8, नाउ यू नो मैच नंबर 10, दैट वाज आई थिंक इट वाज लास्ट नाइट इन फैक्ट. ही जस्ट लुक्स very, very solid. I call him Junior Fazal. You know, I think he has the makings to be the next Fazal Adrachali. Very, very sorted. Unka jo swag hai na, wo bahut special hai. I think Iranian players, agar aap dekhenge, to actually wo thoda shant hi rehte hain, wo quiet hi rehte hain. Lekin ye banda jo hai, he's young, lekin he's aggressive. And I like seeing that about Mohammad Reza Shadlui. Yes, of course. And when we are talking about best defenders, then hum कैसे भूल सकते हैं K7 के एक बहुत ही अच्छे डिफेंडर जयदीप को. जयदीप ने इस सीजन में आते के साथ ही उनके पहले मैच में उन्होंने हाई फाइव किया, उसके बाद सेकंड मैच में भी हाई फाइव किया. आई थिंक थर्ड मैच उनका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन फर्स्ट दोनों मैचेस में जहां पे एक प्रेशर रहता है NYP प्लेयर के रूप में खेलते हुए, लेकिन वो वहां पे अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए नजर आए थे सुहेल. Yeah, and I think, you know, you're looking at a team, Haryana Steelers, jismein hai legends of kabaddi. Rakesh Kumar, coach hai. You've got some really good players in that team as well. And agar ye opportunity unko mil jate hain ki main Surendra Nada ke paas main khel sakta hoon, main, you know, Rakesh Kumar ke andar, wo, you know, seekh sakte hain. So there's so much to learn from, you know, and you just took a look at the league standings. Haryana Steelers, I think, actually has a chance
टू क्लाइंब अप, वो टॉप पेज में अभी तक नहीं है, यू नो, एंड दैट टेल्स यू दैट देयर स्टिल सो मच रूम टू इम्प्रूव. इफ यू लुक एट दिस लीग स्टैंडिंग्स, एंड आई थिंक वी शुड जस्ट टेक अ लुक एट दिस क्विकली, अपर्णा, फॉर मी द टॉप फोर टीम्स राइट नाउ, बंगाल वॉरियर्स फॉर मी एक्चुअली परहैप्स द टॉप टीम स्टिल, दबंग दिल्ली, इवन दो दे आर सिटिंग एट द टॉप, फॉर मी दे आर स्टिल अ वन मैन टीम. अगर नवीन नहीं चलते हैं ना, तो आई थिंक दबंग दिल्ली हैव सम मेजर मेजर गैप्स. मंजीत चिलर इज हैविंग अ लॉट ऑफ एरर्स. Ajay Thakur is not really playing well at all. He's not doing anything. I don't know why he's in the starting seven apart from leadership. Then you've got Jeeva Kumar, who's making a lot of errors. Joginder is making errors. Sandeep is making errors. Ek hi banda us team mein theek se chal raha hai, and that is Naveen Express. So, mere liye, Dabang Delhi KC is a great team as long as Naveen is doing well. Because you saw even versus the U-Mumbai team, in the first 10 minutes when he was quiet, the entire team had dropped. जब नवीन फिर यू नो रिकवर करके सुपर टेन मारा था, द एंटायर टीम रिकवर्ड. सो फॉर मी एक्चुअली बंगाल वॉरियर्स इज टीम नंबर वन. आई थिंक टीम नंबर टू फॉर मी इज दबंग दिल्ली केसी. फिर आई थिंक बिटवीन जयपुर, गुजरात जायंट्स एंड पटना, दैट इज अ रियली गुड टसल फॉर टीम नंबर थ्री इन टर्म्स ऑफ माई स्टैंडिंग्स. एंड देन आई वुड से यू मुंबा कम्स इन आफ्टर दैट, बिकॉज व्हाट वी सॉ इन टू गेम्स आउट ऑफ थ्री वर प्रीटी गुड फ्रॉम देम. बट आई थिंक दोज आर माई टॉप फाइव टीम्स विद बेंगलुरु बुल्स ऑल्सो इन द मिक्स देयर. एंड आज ये दोनों टीम जो आप अभी बता रहे हो, दबंग दिल्ली एंड बंगाल वॉरियर्स, जो कि फाइनल सीजन फाइनल था लास्ट ईयर, आज उसका मैच होने वाला है कुछ समय बाद ही. या एंड आई थिंक दैट विल गिव अस एन इंडिकेशन ऑफ हु इज द बेस्ट टीम करंटली, क्योंकि अगर नवीन के लिए कुछ प्लान्स रख सकते हैं ना, तो दैट फॉर मी विल बी द की. आई थिंक बंगाल वॉरियर्स, इफ यू लुक एट दैट टीम, देयर इज नो रियल नेगेटिव एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस, राइट कॉर्नर. Abhozar Meghani is very, very thanda is bar. Lots of mistakes. Wo jo diving angle hold jo tha unke paas, wo abhi tak humko dikhaya nahi. So for me, that is nahin the biggest... Exactly. Yeah, so that is for me the biggest concern. But let's look at the next page of the league standings, because I think when you look at the teams that are 7th to 12th, waha thoda sa achha race. The way those teams are... bottom. Puneri Paltan, unfortunately, this time around, they are really again troubled, Aparna. I know season after season, they go towards Nitin Tomar. They first spent 1.15 crores, fir 95 crores. Fir is bar bhi, they've gone after Nitin Tomar and Rahul Chaudhary, who's not been in form. I love Nitin Tomar, don't get me wrong. I'm an amazing raider, very good person. But I just think he's injury prone. I feel so bad for Nitin Tomar. Kyunki jab wo full form mein hai na, there are very few left readers who can match him. I think he is an outstanding left reader. Lekin, jaise players, you know, bahut sare players jo hai cricket mein, football mein, kabaddi mein, jo bhi sport aap dekhe jaye, to you know, injury prone players hain. Aur agar unke piche aap jate hain, wo lead reader ban jate hain aapki team mein, to ye risk to hai. And in addition to that, you've taken a Rahul Chaudhary, who, let's be honest, is on the decline. If you look at Rahul Chaudhary's average points over the last three seasons, अभी उनका एवरेज पॉइंट्स पर गेम इज जस्ट ओवर 5, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ. सो आई थिंक यू आर देयरफॉर यू नो होपिंग दैट एन असलम, पंकज मोहिते, दोस गाइस बिकम योर लीड रीडर्स. सो आई थिंक दैट्स व्हाई फॉर मी पुनेरी पल्टन. हां या एंड आई थिंक अनूप कुमार इज आल्सो डूइंग समथिंग लाइक दैट. वो उन्होंने लास्ट मैच में यही किया. मैंने अभी तक जितने भी पीकेएल मैचेस देखे थे, कहीं पे भी 12 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को टीम मैट के अंदर खेलते हुए नहीं देखा था. बट लास्ट मैच में पुनेरी पल्टन ने वो चीज ट्राई किया. उन्होंने जो भी पॉसिबिलिटीज थी उनके पास, उन्होंने सबको पुश किया और देखा कि कोई तो परफॉर्म करेगा, राइट. उन्होंने पहले 10 मिनट उनको निकाल दिया, नितिन वॉज नॉट देयर, और उसके बाद उन्होंने सारे अपने यंग प्लेयर्स को ट्राई किया कि कौन अच्छा खेल सकता है इस सिचुएशन में. या आई थिंक दैट्स वेरी गुड, बिकॉज अगर आप तेलुगु टाइटंस को देखेंगे, तो दे डिडंट डू दैट. रोहित कुमार को 40 मिनट्स खिलाया, राइट, एंड आई थिंक दैट वाज क्रेजी. आई मीन यू गॉट अ गाय हु वाज पुटिंग एम्प्टी रेड आफ्टर एम्प्टी रेड, या तो गेटिंग टैकल्ड, कुछ नहीं किया गेम में, लेकिन फिर भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया उनको, राइट. एंड आई थिंक अनूप कुमार, दैट वे हैव शोन द अदर कोचेस कि फॉर्म पे जाओ, रेप्यूटेशन पे मत जाओ. एंड आई थिंक दैट्स समथिंग अ लॉट ऑफ द अदर टीम्स नीड टू लर्न, राइट. रोहित कुमार शुड नॉट बी इन दैट स्टार्टिंग सेवन. यू नो, नो डिसरिस्पेक्ट टू द रोहित कुमार ऑफ ओल्ड, लेकिन यू कैनॉट होल्ड ऑन टू द रेप्यूटेशन ऑफ ओल्ड प्लेयर्स. यू हैव टू गो ऑन हु इज करंटली प्लेइंग वेल, एंड आई थिंक दैट्स वेयर यू विल स्टार्ट टू सी अ फ्यू चेंजेस बीइंग मेड नाउ. तमिल तलाइवास आई थिंक हैव अ वेरी वेरी गुड डिफेंस. अगर एक दो रेडर्स चलते हैं ना मंजीत के साथ, तो आई थिंक तमिल तलाइवास कैन कम अप दैट लीडरबोर्ड.
So let's go forward, guys. I think we've talked about the league standings. Let's go into, as you want to talk about, Aparna, the top raiders, the top defenders, the top debutants so far. And I think this is a page that excites us, doesn't it? I can see so many K7 players. By the way, सुहेल, बिफोर वी गो टू दिस, मैं अभी जो हमारे ऑडियंस है, जो भी हमें देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखिए, हम आपके सवाल लेंगे इस पूरे शो के दौरान और शो के बाद भी। जहां पे भी कोई अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, हम जरूर वो लेंगे और हम उन उस पे फिर चर्चा भी करेंगे। Yeah, great. Great to have everyone with us. Remember, we are now a 400,000 plus family at Kabaddi Adda. So thank you to everyone that's joined us and made this possible. So let's just look at our best debutants. As you said, Aparna, बहुत सारे K7 players हैं इसमें, and that's a really proud thing for all of us that have been involved at Kabaddi Adda, bringing the K7 to everyone and changing these guys' lives as well. These youngsters have had the opportunity, and because of that platform, have been picked up by Pro Kabaddi teams. Not only picked up, बट प्लेइंग अभी इन द स्टार्टिंग सेवन, प्लेइंग ए सुपर सब्स। अगर आप मोहित गोयत को देखेंगे तो आई मीन व्हाट एन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट यंग मैन। मीतू महेंद्र, वी ऑल एक्सपेक्टेड बिग थिंग्स फ्रॉम हिम। गुड टू सी दैट फेथ बी रिस्टोर्ड बाय राकेश एज वेल। असलम इनामदार हैज हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट। राकेश संग्रोया, अपना यू नो ही वाज वन ऑफ योर फेवरेट्स कमिंग आउट ऑफ K7। आई कैन सी द बिग स्माइल ऑन योर फेस। इट्स सो गुड टू सी दीस यंग मेन डू अ ग्रेट जॉब। Yeah, that smile is because he never loses his smile. So, of course, Rakesh ke liye to ye smile banti hai. Yeah, totally, totally. And look, Sajin with the Patna Pirates, a team that is playing without, Pardeep Narwal. We all wondered, Pardeep, how will Patna Pirates do without Pardeep Narwal? Or for me, I am very glad to see the transition has been quite smooth. Coach Rammer has done a great job with that defense. Mohammad Shadlui Chiene is doing a great job. Sajin is doing a great job. Monu Goyat is doing a great job. Sachin, of course, doing a great job as well as a Raider. So, great understanding in that Patna camp. But these debutants, I mean, they are really some special talents. I think they'll have bigger contracts going forward as well. We're just getting our first glimpse of them. But let's move forward. I think, Aparna, let's go to the best Raiders, best defenders, because here are some special defenders as well. Take us through some of them. Yeah, so when we talk about best defenders, Surinder Nada, सबसे पहले उनका नाम आता है, राइट सुहेल? उन्होंने Yeah, तीन absolutely. मैचेस में उन्होंने 12 पॉइंट्स ले, लेकिन अगर मैं उनके स्टैट्स को देखूं, आई थिंक उन्होंने अनसक्सेसफुल टैकल्स भी काफी किए हैं अभी तक इन तीन मैचेस में। एग्जैक्टली, एंड नॉट जस्ट दैट, अपना जैसे आपने कहा कि बहुत फ्यू अनसक्सेसफुल टैकल्स है, लेकिन ये इतने साल के बाद वो एक्चुअली एक पूरे सीजन खेल रहे हैं। And I think the pressure is there on someone like Surinder Nada, someone who has to prove himself yet again and to see himself at the top of the standings. Ye ek choti cheez nahi hai. And I think alongside him, you see the old and the new. Surinder Nada is the classic, hum OG left corner bolte hai unko. He is the original left corner of PKL. Phir ek youngster, Mohammad Shadlui Chiene from Iran. So you're seeing the two contrasts, ek debutant, एक ओजी लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर, एंड दैट्स ग्रेट टू सी। फिर जयदीप, एज यू सेड, समवन फ्रॉम K7, एंड व्हाट अ जॉब ही इज डन फॉर हरियाणा स्टीलर्स। सुरजीत सिंह, ही इज होल्डिंग दैट एंटायर तमिल तलाइवास टीम टुगेदर एज अ लीडर, एज अ कवर डिफेंडर। और फिर साजन, सोमबीर, गिरीश अर्नाक। गिरीश अर्नाक, इफ ही जस्ट कट्स डाउन द मिस्टेक्स, अपना मेरे लिए आई थिंक इट विल बी अ मच बेटर सीजन फॉर यू। बट हु फॉर यू स्टैंड्स आउट इन दिस सेवन? आई थिंक इन दिस सेवन मुझे जो बहुत ही अनएक्सेप्शनल परफॉर्मेंस लगी है, मैं एक नहीं बोलूंगी, मैं दो नाम लूंगी, वो होगी मोहम्मद रेजा की और जयदीप की, ऑफकोर्स, बिकॉज जयदीप बींग दैट कम स्मॉल सिटी इन हरियाणा, एंड वो इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हमने K7 में भी उसको देखा था, बट जब वो एक NYP के उसमें टीम में गया था, I didn't expect कि वो प्लेइंग सेवन में हर बार हरियाणा के लिए खेलता हुआ मुझे नजर आएगा। एंड दैट इज रियली ग्रेट। या एब्सोल्युटली, अभी तक जो दिखाया है उन्होंने, आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट सम ग्रेट थिंग्स फ्रॉम जयदीप। लेट्स मूव टू द टॉप सेवन रेडर्स। आई नो दिस इज अ बिग एक्साइटिंग वन फॉर ऑल ऑफ आवर फैंस हियर। नवीन कुमार फॉर मी इज द मोस्ट कंप्लीट रेडर इन कबड्डी टुडे। आई थिंक ही इज मिस्टर कंसिस्टेंट ऑफ कबड्डी। जो उनको हमने नवीन एक्सप्रेस नाम रखा है, आई थिंक ही इज ट्रू टू दैट नेम, बिकॉज
एक्चुअली ही जस्ट कीप्स फ्लोइंग लाइक अ ट्रेन, यू नो, वो उनको उनके पास पॉज बटन नहीं है, लेकिन वो सुपर हिट नहीं मारते, एग्जैक्टली वो हर बार वो एक एक पॉइंट लेके यू नो क्विक सक्सेसफुली, पॉइंट्स. यू नो, या सिंपल, यू नो, आई कॉल इट अ पिकेट फेंस रेडर. यू नो, अगर हम क्रिकेट में पिकेट फेंस ओवर बोलते हैं ना, तो वो सिंगल सिक्स सिंगल्स है एक ओवर में, वैसे ही वो पिकेट फेंस सुपर टेन मारते हैं, वन 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 मार के ही कंप्लीट द सुपर टेन बिफोर द ऑपोजिशन नोज इट. बट फॉर मी, यू नो, द अदर बिग प्लेयर एग्जैक्टली टू वॉच, द अदर बिग प्लेयर इज अर्जुन देशवाल. आई थिंक टू कम इन टू अ न्यू टीम, टू कम इन टू अ न्यू सेटअप एंड परफॉर्म द वे ही हैज, ही इज डन अ ट्रेमेंडस जॉब. यू नो, यू लुक थ्रू दिस लिस्ट अपना, एंड सिर्फ दो प्लेयर्स है इसमें जो नए टीम के लिए खेल रहे हैं. यू नो, लुक एट प्रदीप नरवाल. प्रदीप नरवाल हैज गॉन टू अ न्यू टीम लाइक यूपी योद्धा, और वो अभी तक सेटल्ड नहीं है, लेकिन अर्जुन देशवाल एक राइट नए टीम के लिए इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं. सेम विद अजित कुमार. यू नो, ही इज बिकम सॉर्ट ऑफ अ सेमी लीड रेडर अलोंगसाइड अभिषेक सिंह, एंड दैट फॉर मी इज अ हॉलमार्क ऑफ अ वेरी गुड रेडर, जो एक नए टीम के पास जाके सेटल होके यू आर एबल टू परफॉर्म फ्रॉम गेम वन. या करेक्ट. दैट्स ट्रू. एंड आई थिंक पवन सरावत की बात करें तो स्टार्टिंग फर्स्ट मैच जो उनका था उसमें ही कुड नॉट परफॉर्म रियली गुड, बट उसके आने वाले मैचेस में उन्होंने अपना मोमेंटम बेहतर किया पहले से, एंड देन अभी उनसे जो एक्सपेक्ट हम सबको थी वो हमें वापस कर दिखाई भी दे रही है. एंड अगर हम नंबर 7 पे राकेश नरवाल की बात करें, राकेश नरवाल वॉज नॉट प्लेइंग वेरी कंसिस्टेंटली लास्ट ईयर, जो लास्ट सीजन है आई वुड से, सीजन में उन्होंने बहुत अच्छा कुछ ऐसा परफॉर्म नहीं किया था बंगाल वॉरियर्स की टीम से. और उसके बाद जो 2 साल का जो अभी गैप भी हुआ, उस गैप में भी हमने जितने भी लोकल टूर्नामेंट्स देखे वहां पे भी ज्यादा कहाँ कहीं पे उनको खेलता हुआ हमने नहीं देखा था, बट यहाँ पे वो टॉप 7 रेडर्स की लिस्ट में अभी तक अपनी जगह बना चुके हैं. सो आगे अभी ये देखना होगा कि वो क्या गुजरात जाइंट्स के लिए ऐसा ही खेलते रहेंगे, क्योंकि गुजरात जाइंट्स में अगर हम रेडर्स की बात करें तो राकेश नरवाल और राकेश सुंगरोया, इन दोनों के अलावा कोई और रेडर नहीं है. सोनू था करेक्ट. एंड ही इज आउट, ही इज बीन आउट. तो अभी इन्हीं के ऊपर है जो कि गुजरात जाइंट्स के रेडिंग डिपार्टमेंट को संभाल के रखेगी. या एंड आई थिंक वन थिंग आई वांट टू से, राइट, यू लुक एट दिस लिस्ट, और इस लिस्ट में नंबर 5 पे है मनिंदर सिंह, लेकिन मेरे लिए आई थिंक मनिंदर सिंह इज इनसाइड द टॉप 3, बिकॉज जस्ट एज अ कंप्लीट रेडर, वो माइटी मनिंदर मैंने सीजन 1 में नाम रखा था. आई थिंक आई स्टिल स्टिक बाय दैट नेम, बिकॉज ही रियली इज अ माइटी गुड रेडर. वो इतना माइट है, इतना स्ट्रेंथ है, ताकत जो है मनिंदर के पास वो बहुत कम रेडर के पास है. यू नो, यू सॉ इट इन दैट 6-point raid. वो जैसे खींच के डिफेंडर्स को मिडलाइन तक लेके गए, आई थिंक वेरी फ्यू रेडर्स आर एबल टू पुल दैट ऑफ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई फॉर मी मनिंदर फॉर मी इज इनसाइड माय टॉप 3 बेस्ट रेडर्स इन पीकेएल. और एक और नाम जो इस लिस्ट में नहीं है वो है मोहम्मद नबी बख्श. आई थिंक हिज रोल इन द टीम इज टू प्ले अ ट्रू ऑलराउंडर्स रोल, लेकिन वो जो है एक लीडर बंगाल वॉरियर्स के लिए, और जब मनिंदर कोर्ट पे नहीं है वो एक एक तरफ से वो लीड करते हैं, और वो आराम से, यू नो, एकदम शांति से वो पॉइंट भी लेके वापस मनिंदर को रिवाइव करते हैं. सो आई थिंक दैट इज अ बिग रोल, व्हिच इफ यू लुक एट अ टीम लाइक पुनेरी पल्टन, यू लुक एट अ टीम लाइक यू मुंबा, यू लुक एट अ टीम लाइक तेलुगु टाइटंस, दे आर स्ट्रगलिंग टू हैव दैट सेकंड पर्सन टू रिवाइव देयर स्टार. यू लुक एट तेलुगु टाइटंस, रोहित कुमार इज नॉट प्लेइंग वेरी वेल, तो सिद्धार्थ देसाई को कैसे रिवाइव करें. सेम विद यूपी योद्धा, प्रदीप नरवाल स्पेंट मोर देन हाफ द गेम ऑलमोस्ट ऑन द बेंच. They are not, you know, Srikant Jadhav, unfortunately, is not really playing to potential. They don't know how to revive him. You Mumba ko agar ab dekhenge, to Fazal is saying, I can't take a risk because I need to spend time on the mat. But that's not where Fazal is most dangerous. And this is why you need guys who can revive your top players. So that for me is exactly where I think, you know, some of these guys have the luxury of having good teammates. And those teammates, top raiders, top defenders list mein nahi dekhenge. Lekin wo jo hai, perfect supporting acts. मैं बोलता हूँ कि ये perfect foil है for your top stars. And I think that's a very, very important list of guys that we should see as well. Yes, very true. And talking about Maninder, जब आप मनिंदर के बारे में बात करें तो मैं ये चीज आपको एक जस्ट एक बैकग्राउंड बताना चाह रही थी कि मैंने पंजाब में सर्कल कबड्डी के अलावा और कोई कबड्डी नहीं देखी. एंड आई थिंक मनिंदर जिस तरीके से वो ये कबड्डी नेशनल स्टाइल कबड्डी खेलने आए हैं, उन्होंने भी शुरुआत सर्कल स्टाइल कबड्डी में ही की थी. और सर्कल कबड्डी में जो होता है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्ट्रेटजीज कम यूज करते हैं. सो
मे बी कि वो जो स्ट्रेंथ उन्होंने शुरुआत में ही बिल्ड करी है वो यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं एंड दैट ही इज यूजिंग इट रियली रियली वेल. Yeah, fantastic. And Aparna, great insights. What I would love for everyone to remember is that Aparna is always on ground, listening to all the players' stories, meeting all the players. So Aparna, every week when we do Pocket Me PKL, I hope that you give us some great insight stories about each player. Kyunki if you look at this story that you just said, I think it you know gives some players an idea ki jab off season hai, to kya main circle kabaddi jaake khelun? Kyunki mera strength aur bhi badh jayenge. राइट सो इट कुड बी लाइक इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में जब मैं क्रिकेट उधर खेल रहा था तो ऑफ सीजन में लोग एएफएल वो ऑस्ट्रेलियन रूल्स रग्बी खेल रहे थे या तो रग्बी खेलते थे सो दे वर्क ऑन अ डिफरेंट बॉडी स्ट्रेंथ सिमिलरली एज यू सेड मनिंदर डिराइव्स हिज स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर एज वेल सो ग्रेट पॉइंट्स अपर्णा एंड आई होप दैट यू ब्रिंग अस मेनी मोर स्टोरीज एज वी गो फॉरवर्ड एज वेल बट आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग बिफोर वी क्लोज अप थैंक यू गनी आई लव यू गाइस टू थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट you know, I've been enjoying commentating on the first few games. Aur bhi 2 mahine hai and I need to keep my throat calm for the next 2 months. But just before we go forward, I think we should talk about a couple of disappointments so far. Aparna, I think guys like Rahul Chaudhary, Manjeet Chhillar, Rohit Kumar, they've been a little disappointing for me. And I do hope that the stars that they are, humne Rahul ko showman Rahul Chaudhary kehte hain. I hope to see the showman yes. come back. I think there's a lot of disappointment in the way that they've gone about, you know, raiding and leading, especially like Rohit Kumar as well. I hope that we can see a change in form for those guys. And I want to see Ajay Thakur raid more. I think he's a great guy. He's a fantastic human being. I want to see him, you know, be given a bit more responsibility. He's the one that actually is keeping that team together. And I hope that, you know, we see the big running hand touch of Ajay Thakur come out to play as well soon. Yeah, and Thakur, I was just thinking about Mighty Manjeet. Mighty Manjeet have been doing a lot of unsuccessful tackles and yeah. matlab, I really don't enjoy seeing him like that. I mean, unka jo style hai defense ka, wo abhi tak yahan pe nahi dikhai diya hai. Main aapse kabaddi seekhna chahta hun. Suhail, this must be for you. Why not? Aparna, you are now a kabaddi expert. Might be for you also. Who knows? But Kritika, thank you. हम सिखाएंगे आपको अच्छे तरह से from Kabaddi Adda. We have so many skill series going on. Remember to contact yeah. us at Kabaddi Adda, and you know we can always make sure that we bring you something specific. अगर कोई एक skill पे आप work करना चाहते हो, तो we can bring something really good for you guys there as well, and deliver a really good skill series for you. But Aparna, should we close things off? Anything else that you would like to add? Yeah, I think it was a great conversation, Suhail. And हमने काफी सारे players के बारे में बात करी है. And let's hope कि अभी आज जो matches होने वाले हैं, उन players के बारे में भी हमने बात करी और हमने जो हमारी expectations हैं, वो हमें mat पे दिखाई दे आज आने वाले matches में भी. Yeah, absolutely. And remember, everyone, going forward, each of these shows will be on Sunday, so all of you can relax on a Sunday and enjoy talking to us. Hum Pocket Mein PKL hum leke aayenge as a weekly refresher for you to look back at everything that's gone on in the world of PKL. What we will also be doing going forward is doing some very special strategy pieces, which I'll be doing for you as well with the use of a few new tools. So look forward to that as well. And remember to hit the subscribe button right here. We are now a 400,000 subscriber channel here at Kabaddi Adda. We continue to grow. So a big, big thank you to all of you that have joined us on this journey. Kabaddi Adda continues to grow. K7 continues to grow. And we continue to enjoy Kabaddi. We want to see more young players become part of PKL, grow their careers. And we want to see a big impact on the ground for Kabaddi as well. So on behalf of Aparna, on behalf of myself and our entire team at Kabaddi Adda, thank you so much for joining us. We will see you on Sunday for our next Pocket Mein PKL.